अच्छी एडिटिंग से मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज में 3 महीने में 1.5 लाख फॉलोअर से ज्यादा बनाए, वो भी एक फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से, जहाँ ऐसी एनिमेशन, ट्रांजिशन, साउंड्स एंड इफेक्ट्स सिर्फ एक क्लिक में अवेलेबल है। अरे नाम बताना रे बाबा, टाइटल से आपको नाम तो पता चल ही गया होगा, कैपकट पीसी। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा यही पूरा कैपकट, वो भी सिर्फ 15 मिनट में, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इतना ईजी है कि वीडियो के एंड तक आप भी ऐसी वायरल वीडियो इजीली बना सको, वो भी बिना कॉम्प्लिकेटेड एनिमेशन सीखे, पेड सॉफ्टवेयर्स में पैसा फेंके या कैपकट के एडिटिंग के कोर्सेज को खरीद के। तो ये वीडियो आपके लिए वो 15 मिनट मास्टर क्लास सीरीज होने वाली है, जिसे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। और इस प्लेलिस्ट में आप कोई भी सॉफ्टवेयर सिर्फ 15 मिनट में सीख सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारे इंट्रो के बाद। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए 2 सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर लो, एक है कैपकट पीसी और एक है प्रोटॉन वीपीएन। प्रोटॉन वीपीएन को बस आपको ऑन करके रखना है व्हाइल यूजिंग कैपकट और आपका कैपकट मक्खन चलेगा, वो भी इंडिया में। अब नंबर 1 हम सीखते हैं इंपोर्टिंग। कैपकट को ओपन करते ही आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जहां आपको न्यू प्रोजेक्ट्स और ओल्ड प्रोजेक्ट्स शो होंगे। आपको न्यू प्रोजेक्ट्स पर क्लिक कर देना है, फिर आपको दिखेगा 4 मेन एरिया, मेन क्लिप एरिया, एफएक्स कंट्रोल एरिया, टाइमलाइन एरिया एंड व्यूइंग एरिया। और चाहे आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो एडिटिंग के लिए, आपको ये 4 मेन एरियाज हमेशा दिखेंगे, थोड़ा बहुत ही इधर उधर चेंज होगा। चलो सबसे पहले करते हैं अपनी फुटेज को इंपोर्ट। मीडिया में जाके इंपोर्ट एरिया में जो मेन क्लिप सेशन है वहाँ पे आपको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वरना आप यहाँ से जाके प्लस पर क्लिक करके भी इंपोर्ट कर सकते हो। आप प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी फुटेज यूज कर सकते हो, वरना डिस्क्रिप्शन में मैंने फेमस पॉडकास्ट के रॉ फुटेजेस दे दिए, आप उन फुटेजेस को भी प्रैक्टिस करने के लिए डाउनलोड कर सकते हो। चलो आप फुटेजेस को यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी पार्ट चाहिए तो अपने माउस को यहाँ ले जाकर चेक कर सकते हो। एंड स्टार्टिंग पॉइंट के लिए प्रेस करो I और एंड पॉइंट के लिए प्रेस करो O और इस प्लस आइकन पे क्लिक कर दो, आपकी फुटेज टाइमलाइन पे अपने आप आ जाएगी। याद रखना जैसी भी आपकी फुटेज होगी उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली रेशियो ले लेगा। आप इस व्यू एरिया में जाके देख सकते हो कि कितने सारे टाइप के रेशियोज हैं, पर मेन रेशियो सिर्फ 2 है, 16:9 और 9:16, और दोनों रेशियोज कुछ इस तरीके के दिखते हैं। और यहाँ पे आप कुछ भी एडिट कर सकते हो, चाहे आपको माउस से कुछ एडजस्ट करना हो, स्केल करना हो या रोटेट करना हो, मैन्युअली कर सकते हो। व्यूइंग एरिया में यहाँ आपको टोटल टाइम बताएगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका प्ले हेड अभी भी कौन से टाइम पर है। यहाँ से आप फुल स्क्रीन करके अपना एडिट भी देख सकते हो। और नंबर 2 है अंडू और रीडू। अभी आप किसी भी फुटेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि अंडू करना। रियल लाइफ में आप कोई भी गलती कर देते हो तो आप अपनी लाइफ को अंडू नहीं कर सकते, पर यहाँ एडिटिंग में अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाए तो आप प्रेस कर सकते हो अंडू। यहाँ पे आप रीडू का ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हो अगर आपको अंडू को वापस लाना है तो। नंबर 3 टूल है हमारे पास स्प्लिट। पहले जो ऑकवर्ड साइलेंसेस है या फिर आप जो भी पार्ट नहीं चाहते हो उसको यहाँ से पहले ड्रैग करके देखो, एंड देन स्प्लिट ऑप्शन को सिलेक्ट करो और बाकी पार्ट्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। और फिर स्प्लिट के 2 भाई, स्प्लिट लेफ्ट और स्प्लिट राइट, इन ऑप्शंस को यूज करो। कैसे? जब भी आपको क्लिप के राइट साइड वाले फुटेजेस को नहीं चाहिए तब स्प्लिट ऑप्शन को क्लिक करते ही आपका राइट पार्ट डिलीट कर देना, और इसी सेम टेक्निक से लेफ्ट पार्ट भी डिलीट कर सकते हो। देन 4th टूल हमारा आता है फ्रीज। आपको जब भी वीडियो में से पिक्चर निकालनी हो तो ये ऑप्शन यूज करो। 5th टूल आता है रिवर्स। अगर आप चाहते हो आपकी वीडियो भी रिवर्स में चले तो इस टूल को जरूर इस्तेमाल करना, और उसके लिए आपको बस इस बटन पे क्लिक करना है। 6th टूल है हमारा मिरर, और नाम से ही आपको पता चल रहा है ये टूल आपके इमेज को हॉरिजॉन्टली मिरर कर देगा। 7th टूल है रोटेट, यहाँ से अपने फुटेज को रोटेट कर सकते हो। 8th टूल है क्रॉप, और ये टूल तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि कैसे आप अपने पिक्चर्स या वीडियोस को क्रॉप कर सकते हो। अगर आप इस साइड में देखो टाइमलाइन में जूम इन और जूम आउट ऑप्शन भी है, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल और स्क्रॉल करो। एंड लास्ट में फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, लॉक, हाइड एंड म्यूट। अब अगर आपको कोई भी क्लिप को कट करनी हो तो ऊपर ऑप्शंस तो है, पर सबसे आसान तरीका है प्रेस B, जिससे ऐसा एक ब्लेड सा ऑप्शन आ जाता है, और इससे बहुत आसानी से आप किसी भी फुटेज को कट कर सकते हो। आपको जहाँ पे भी कट चाहिए आप वहाँ पे प्रेस कर दो और ये आपकी फुटेज को 2 टुकड़ों में काट देगा। एंड
लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आप क्लिप को एंड से पकड़ के उसको ड्रैग कर सकते हो कितना भी पार्ट आपको चाहिए फुटेज में। अभी अगर आप फुटेज पर राइट क्लिक करो तो वह ऑप्शन आते हैं कॉपी, जिससे आप ऑफकोर्स फुटेज को कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। कॉपी के साथ आपको बाकी ऑप्शन भी आते हैं जैसे कट, डिलीट, स्प्लिट। ये कंपाउंड क्लिप वाला ऑप्शन आपको मैं बाद में बताऊंगा। डीएक्टिवेट क्लिप वाला ऑप्शन आपकी क्लिप को गायब कर देगी, वो भी व्यूइंग एरिया से, पर इसको वापस लाना प्रेस वी। एक्सट्रैक्ट ऑडियो बेस्ट ऑप्शन है अगर आप अपनी ऑडियो को फुटेज से निकाल के अलग करना चाहते हो, और ट्रस्ट मी एडिटिंग में ये चीज बहुत ही काम आएगी आपकी। एक और ऑप्शन है रिप्लेस क्लिप, जो आपकी दूसरी क्लिप को आराम से चेंज कर देगी आपके ही पीसी से यूज करके बिना किसी एडिटिंग को खराब करे। और अगर आपको कोई भी शॉर्टकट्स देखनी हो या मॉडिफाई करने हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। और ये था हमारा टाइमलाइन और व्यूइंग एरिया, क्योंकि हम दुनिया की सारी एडिटिंग इसी टाइमलाइन में सीखेंगे। चलो हम फाइनली सीखेंगे इफेक्ट्स और कंट्रोल पैनल, और ये मेरा फेवरेट पैनल है। जब भी आप फुटेज में क्लिक करोगे तो आपको इतने सारे कंट्रोल्स मिलेंगे। नंबर ए, वीडियो सेक्शन। सबसे पहले वीडियो सेक्शन से बेसिक्स में आप अपनी फुटेज के साइज, पोजीशन, रोटेशन एंड ओपेसिटी को रीसेट कर सकते हो। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, की फ्रेम्स। की फ्रेम से आप इजीली किसी भी फुटेज या पिक्चर को मूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ ये पिक्चर जो 1 सेकंड पर थी वो 5 सेकंड में यहाँ तक आ जाए, वो भी अपने आप। तो मैं इसको 1 सेकंड पर या पोजीशन में की फ्रेम पर क्लिक कर दूंगा और 5 सेकंड तक यहाँ तक इमेज को ड्रैग करूंगा। तो देखो अब यहाँ पर अपने आप की फ्रेम लग गया। अभी इसको प्ले करके देखते हैं, तो मस्त हो रहा है। देन आता है स्टेबिलाइज। ये आप जब यूज करो जब आपकी फुटेज काफी शेकी हो, जैसे कि ये वाला। कुछ नहीं करना है आपको, आपको बस इस ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड मैजिकली आपकी फुटेज स्टेबिलाइज हो जाएगी। तो ये थे इस सेक्शन के कुछ बेसिक ऑप्शंस। अब बाकी के ऑप्शंस जैसे कि मोशन ब्लर, लेयर्स, ये आपको मैं आगे सिखाऊंगा। नंबर 2, वीडियो सेक्शंस एंड कटआउट। ये फीचर्स काफी पॉपुलर है कैपकट के। यहाँ से आप अपनी ग्रीन स्क्रीन को मैन्युअली निकाल सकते हो। जैसे हम इस फुटेज को इंपोर्ट करते हैं और इस ऑप्शन को ऑन करते हैं, यहाँ पे क्लिक करो, ग्रीन कलर को पिक करो और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा दो, एंड वाला आपकी ग्रीन स्क्रीन गायब। अब इससे भी सिंपल ऑप्शन है कैपकट में ऑटो कट फीचर, और यहाँ पे तो सिर्फ फुटेज को क्लिक करो और ऑटो कट पे क्लिक कर दो, ये तो बिना ग्रीन स्क्रीन के भी बैकग्राउंड को हटा देगा। नंबर 3 पॉइंट आता है हमारा मास्किंग। सिंपल भाषा में ये फीचर कोई भी फुटेज या पिक्चर को अलग अलग शेप में क्रॉप कर सकता है। चलो नेक्स्ट सीखते हैं वीडियो एनहांसिंग की तरफ। आप किसी भी फेस या बॉडी को मैनुअली मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ स्नैपचैट फिल्टर की तरह। अब बात करते हैं हम ऑडियो की। ऑडियो के बेसिक कंट्रोल्स तो यहाँ पे है, जब अपनी फुटेज को सिलेक्ट करोगे वॉल्यूम को ज्यादा या कम कर सकते हो, या फिर फुटेज के आगे के वॉल्यूम को डाउन करना हो या पीछे से। यहाँ पे आप वॉइस को रिड्यूस भी कर सकते हो और अपने फुटेज या ऑडियो को सिलेक्ट करो जिसमें ये ज्यादा नॉइज आ रही हो, और आप नॉइस रिडक्शन वाले बटन को सिलेक्ट कर दो, एंड देन आपका बैकग्राउंड नॉइस ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ये फीचर इतना खास नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ेंगे, वो है वॉइस चेंजर, जिसमें आप वॉइस को अलग अलग कैरेक्टर्स में बदल सकते हो। एक और फन फीचर है, वो है वॉइस फिल्टर। यहाँ पे भी आप काफी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। और लास्ट है हमारा स्पीच टू सॉन्ग फीचर, जिसमें आप कुछ भी लिखो और कैपकट आपके लिए खुद ब खुद डबिंग करके दे देगा। यहाँ पे एक डिफॉल्ट टेक्स्ट ले लेते हैं, हेलो ब्रदर, और इस टेक्स्ट पे क्लिक करके आप टेक्स्ट टू स्पीच पर क्लिक कर दो। देखो कितने सारे AI वॉइसेस हैं, कोई भी आप ट्राई कर सकते हो। और हेलो ब्रदर, हेलो बोल रहा है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पीड फीचर, और ये काफी ट्रेंडिंग चलता है। आप किसी भी फुटेज की स्पीड को ज्यादा या कम कर सकते हो, चाहे आपको स्लो मोशन में करना हो या आपको अपने फुटेज को फास्ट करना हो। आपको अपने फुटेज को स्लो या फास्ट करने के लिए यहाँ से ड्रैग करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो मेरा फेवरेट है वो है एनिमेशंस। और प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेशन तो मत बोलो, पर कैपकट में ये फीचर काफी इजी हो गया है। आपको याद होगा मैंने बोला था कि कैसे पोजीशन की फ्रेम्स को मैन्युअली एनिमेट करना पड़ता है, और उसका ऑप्शन तो है ही, बट यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काफी सारे एनिमेशन है। आपको बस किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करना है, इस एनिमेशन को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे एंट्री एनिमेशन मिल जाएगी, आउट एनिमेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो स्क्रीन में स्लाइड होके आ रहा है, क्योंकि मैंने स्लाइड वाला इन एनिमेशन लैंग्वेज यूज किया है। और जब ये एग्जिट करेगा तो मैं यूज करूंगा आउट एनिमेशन। यहाँ पे आप डांसिंग कॉम्बो एनिमेशन भी यूज कर सकते हो, जहाँ से आपकी इमेज डांस करती रहेगी। नेक्स्ट है हमारा ट्रैकिंग, ये काफी यूनिक फीचर है। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो मुझे हमारे स्टिकमैन के फेस को इस बॉडी बिल्डर पे लगाना है, पर ये बॉडी बिल्डर ना काफी हिल रहा है और मैनुअली करने में काफी टाइम लग जाएगा। तो हमको सिंपली ये 2 फाइल्स इंपोर्ट करनी है, देन मेरे स्टिकमैन वाले फेस को इसके ऊपर वाले लेयर पे रखना है। फेस को क्लिक करके आप इस ट्रैकिंग ऑप्शन को ला सकते हो, देन इस फेस लेयर को हम 2 मिनट के लिए हाइड कर देंगे और ट्रैकिंग पॉइंट को सब्जेक्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से स्केल ऑप्शन को डीसेलेक्ट करके ट्रैकिंग पर
क्लिक कर दो, फिर ये खुद ब खुद सारी ट्रैकिंग कर देगा और बस अपने फेस लेयर को विजिबल कर दो एंड वोला, हमारा फेस बॉडी बिल्डर बन गया है। चलो नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एडजस्टमेंट, और ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आप सीखोगे कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग। तो सबसे पहले कोई भी फुटेज को टाइमलाइन पे लाओ एंड क्लिक करते ही आपको ये कंट्रोल दिखेंगे। ये वीडियो आप देख सकते हो कि काफी डल है, तो इसका हम पहले कॉन्ट्रास्ट सही करेंगे, देन शैडो को ठीक करेंगे, देन ब्लैक्स को ठीक कर देते हैं, एंड देन आप क्लैरिटी को बढ़ा सकते हो, फिर ये विजन एट को बढ़ा सकते हो जिसमें थोड़ा फोकस और आ जाएगा बीच में। उसके बाद आप कलर ग्रेड करने के लिए टेम्परेचर को ठीक कर सकते हो, जैसे कि इस फुटेज में मुझे कूल कलर्स काफी अच्छे लगेंगे। अब थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए सैचुरेशन को बढ़ा दो, यहाँ काफी एडवांस ऑप्शन भी है जैसे कि HSL, कर्व्स। कर्व्स से हम यहाँ से बैलेंस कर सकते हैं अपनी ब्राइटनेस को, और यहाँ पे आप पॉइंट्स के साथ थोड़ा खेल सकते हो। इस पॉइंट को थोड़ा यहाँ खेल लेते हैं और इस पॉइंट को थोड़ा इधर कर देते हैं, आप यहाँ पे क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो। अब लास्ट आता है ये वाला पैनल जहाँ पे मेरा फेवरेट इफेक्ट एंड ट्रांजिशंस है। नंबर वन है ऑडियो ऑप्शंस, जहाँ आपको सारे ऑडियोस मिल जाएंगे, चाहे वो म्यूजिक हो, साउंड इफेक्ट हो, कॉपीराइट्स हो। आप म्यूजिक वाले में जाके सारे टिकटॉक के फेमस सॉन्ग यूज कर सकते हो, एंड यहाँ काफी सारे है, इसको आपको बस ड्रैग करना है, यहाँ से ट्रिम भी कर सकते हो, पर ध्यान रखना यहाँ पे कॉपीराइट का रिस्क हो सकता है। नंबर बी है साउंड इफेक्ट्स, जहाँ से आप ट्रेंडिंग इफेक्ट्स को सर्च कर सकते हो, जैसे कि वुश, आप उनको यहाँ पे इजीली ड्रैग करके यूज कर सकते हो। आपको ऊट पटांग बहुत सारे फ्री इफेक्ट्स मिल जाएंगे। अभी आप इस कॉपीराइट वाले फीचर को यूज करके चेक कर सकते हो कि आपका कॉपीराइट फ्री है कि नहीं, बट हाँ ये फीचर ठीक से काम नहीं करता तो हमेशा ट्रस्ट मत करना। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट ऑडियो, और इसका मतलब तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा। आप यहाँ पे इसके प्लस पे क्लिक करो और यहाँ से कोई भी साउंड ले लो, आप इन साउंड्स को कभी भी टाइमलाइन में ड्रैग कर सकते हो। और ये टिकटॉक फीचर, अगर आप इंडिया और एशिया वाली कंट्रीज में हो तो आई गेस ये फीचर आपके लिए काम नहीं करेगा। देन आता है हमारा टेक्स्ट सेक्शन, ऐड टेक्स्ट, यहाँ से आप अपने लिए कैप्शंस बना सकते हो वो मैनुअली। डिफॉल्ट टेक्स्ट को सिंपली ड्रैग कर दो, इस पर क्लिक करो और यहाँ से सारी सेटिंग्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक सेक्शंस की, यहाँ पर क्लिक करके आप कुछ भी टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप ट्रेंडिंग फॉन्ट्स मिल जाएंगे, ये स्क्रॉल करके आप फॉन्ट साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हो, और यहाँ से आपको बोल्ड, अंडरलाइन एंड इटैलिक कर सकते हो। और यहाँ पे केस ऑन करने का मतलब आपको सारे लेटर्स कैप्स में चाहिए या स्मॉल में, या फिर सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैप्स होना चाहिए, या फिर कलर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप कैरेक्टर की स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग चूज कर सकते हो, और यहाँ से अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा ग्राफिक डिजाइनिंग एडिटिंग के साथ सीखो, वरना आपको ये पॉपुलर स्टाइल्स यहाँ से मिल ही जाएंगे। सारे ट्रेंडिंग स्टाइल ट्राई कर सकते हो और अपने फेवरेट्स को चूज कर सकते हो। यहाँ से आपने मैनुअली स्केलिंग, पोजिशन, रोटेशन एंड ओपेसिटी को एडजस्ट कर दिया, और यहाँ से प्लस आप की फ्रेम एनिमेशन भी कर सकते हो। देन आता है हमारा ये स्ट्रोक ऑप्शन, जहाँ से आप स्ट्रोक डाल सकते हो, यहाँ से आप इजीली थिकनेस को सेट कर सकते हो। बैकग्राउंड इफेक्ट्स भी काफी ट्रेंडिंग है, जहाँ से आप ओपेसिटी को सेट कर सकते हो, राउंडनेस को कॉर्नर कर सकते हो, और अपने हाइट्स एंड विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो। ये ग्लो फीचर तो काफी ट्रेंडिंग है, यहाँ से आप ग्लो को चेंज कर सकते हो और इंटेंसिटी को एडजस्ट कर सकते हो। अपने बड़ी बड़ी फेमस ट्रेंडिंग रील्स में ये ग्लो इफेक्ट जरूर देखा होगा। ये कर्व वाला फीचर काफी लिमिटेड जगहों पर ही काम आता है, पर ऐसी राउंडनेस को यहाँ से आप चेंज कर सकते हो और टेक्स्ट भी काफी इजीली एडजस्ट कर सकते हो। फिर आते हैं ये बबल ऑप्शन, ये काफी सारे रेडीमेड प्रीसेट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। आप बस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करो, वहाँ पे क्लिक करो और इस ऑप्शन पे क्लिक कर दो, और यहाँ से आपको काफी क्यूट क्यूट चीजें मिल जाएंगी। ये इफेक्ट्स टैब, यहाँ से आप बेसिक्स और मैनुअली टेक्स्ट को स्टाइल बना सकते हो, और सिमिलरली यहाँ पे भी आपको रेडीमेड स्टाइल्स मिल जाएंगे, वो भी बस एक क्लिक में। ये एनिमेशन सेक्शन तो मेरा फेवरेट है, जहाँ पे आपको सारी एनिमेशन मिल जाएंगी, इन एंड आउट एनिमेशन, और यहाँ पे मेरा फेवरेट टाइपराइटर वाली एनिमेशन भी मिल जाएगी। एफएक्स वाले टैब में यहाँ पे आप एफएक्स भी अप्लाई कर सकते हो। टेक्स्ट टेम्पलेट में आपको काफी इजी कर देता है आपका टेक्स्ट वाला डिजाइनर पार्ट, क्योंकि आपको टेक्स्ट विद डिजाइनिंग सेंस आपको एनिमेशन भी मिल जाएगी। आपको सिंपली ड्रैग करना है और यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है एंड टेक्स्ट चेंज हो जाएगा पूरी तरीके से। और मेरा फेवरेट आता है यहाँ पे ऑटो कैप्शन फीचर, जो ऑब्वियसली इंग्लिश कैप्शन में बहुत इजीली यूज होता है। प्रॉब्लम यह है कि हिंदी कैप्शन के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको सिंपली फुटेज को टाइमलाइन में ढाल देना है और क्लिक कर देना है फुटेज पर। यहाँ से आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो और क्लिक कर सकते हो, और कुछ सेकंड में ही कैप्शन आपको दे देगा। आप कैप्शन की पोजीशनिंग वगैरह अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, और आप यहाँ से कैप्शन को SRT फॉर्मेट में इम्पोर्ट भी कर सकते हो। अब आते हैं कुछ छोटे मगर मेजर चेंजेस में, जैसे स्टिकर टैब में आपको 500 से भी ज्यादा कमाल कमाल के एनिमेटेड स्टिकर मिल जाएंगे। चाहे आप कंटेंट क्रिएटर के लिए सब्सक्राइब बटन या फॉलो बटन जैसी चीजें ढूंढ रहे हो, या 3D एलिमेंट्स ढूंढ रहे हो। और ये FX वाला टैब वन ऑफ द मेन एरिया है, जहाँ आपको सारे ट्रेंडिंग एफेक्ट्स मिल जाएंगे।
बाकी अब टेंशन मत लो, जब हम ट्रेंडिंग वीडियोस बनाएंगे आगे मैं उसको कम्प्लीटली आपको समझाऊंगा। ट्रांजिशंस में ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब बड़े क्रिएटर्स इसी को यूज करते हैं अपने ट्रांजिशंस को बेस्ट बनाने के लिए। ट्रांजिशन से आप एक सीन से दूसरे सीन के बीच का मॉर्फ चेंज कर सकते हो। चलो अब एग्जांपल के तौर में ये वाली ट्रांजिशन ऐड करते हैं, जहां पे मैं किसी भी दो फुटेज के बीच में इस ग्लेयर वाले ट्रांजिशन को यूज करूंगा और ये कितनी सुंदर तरीके से एक इफेक्ट डाल देता है। और ये फिल्टर वाला तो काफी आसान ही है, आप जैसे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट में कोई भी फिल्टर यूज करते हो तो आप यहाँ पे भी वही सेम चीज कर सकते हो। आपको बस इसको ड्रैग करना है और किसी भी फुटेज पर यूज करना है। चलो फाइनली आपने सारे मेथड सीख लिए, अब हम यहाँ पे एक बेस्ट चीज सीखेंगे जो कि है पूरी रील को एडिट करना। हम इन्हीं पॉडकास्ट में से एक रील को स्क्रैच से बनाएंगे और इसको ट्रेंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे, वो भी अपने कैपकट में। तो लेट्स बिगिन। चलो सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं सारी फाइल्स, वीडियोस को टाइमलाइन में ड्रैग कर दो और इनका रेशियो एडजस्ट करके शॉर्ट फॉर्म के लिए बना दो। अभी वीडियो में सबसे पहले सारे जरूरी कट्स मार लो, इसमें टेक्स्ट को ऐड करके फिर इसकी फॉन्ट साइज एंड पोजीशन को अपने हिसाब से चेंज कर लो। अब इसी टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट करते हैं और इसके पोजीशंस के साथ थोड़ा खेलते हैं। जैसे मैंने एफएक्स टैब बताया था तो यहाँ पे भी तुम अपने एफएक्स यूज कर सकते हो। अब इस सेकेंड शॉट के लिए थोड़ा बीजी ऐड करते हैं और सेकेंड टेक्स्ट को ऐड करके उसके फॉन्ट साइज को एडजस्ट कर दो। बस अब इसको हिलाना दुलाना है, थोड़ा एनिमेशन और एफेक्ट्स डालने हैं। फिर से इसको डुप्लीकेट करो और उसकी पोजीशन और टेक्स्ट को चेंज कर दो। यहाँ पे आप ग्रीन स्क्रीन एरो वीडियो और यहाँ पे आप रिमूव वीजी ऑप्शन को क्लिक करना है। बस क्रोमा की ऑप्शन को पिक करो और इसका कलर पिक कर यूज करके इसके ग्रीन सर्फेस को क्लिक कर दो। यहाँ से आपको उसकी इंटेंसिटी के साथ खेलना है, यहाँ से आपकी एरोस को अपने हिसाब से एडजस्ट करने हैं। यहाँ से फिल्म बर्न ट्रांजिशन को यूज करो और फर्स्ट और सेकेंड क्लिप के बीच में डालो। इसका रोटेशन चेंज करो और इसका ब्लेंड मोड को चेंज कर दो। चलो अब थर्ड टेक्स्ट ऐड करके डिफॉल्ट टेक्स्ट को 2.6 मिलियन कर देते हैं और इसकी फॉन्ट साइज एंड पोजीशन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। इसके बाद अपने फेवरेट इफेक्ट और एनिमेशन को ढाल देते हैं। चलो फिर से इसको डुप्लीकेट करो और इसके टेक्स्ट को चेंज कर दो, एनिमेशन को रिमूव करके इसके इफेक्ट को चेंज कर दो। यहाँ से आप एरो पीएनजी को यूज करो और इसकी पोजीशन को एडजस्ट करके इन एंड आउट एनिमेशन यूज कर लो और ओपेसिटी में आप एनिमेशन भी दे सकते हो। और बस आपको ग्लेयर ट्रांजिशन यूज करना है और उसके साथ ऑटो कैप्शन में जाकर आपको अपने मनचाह इंग्लिश लैंग्वेज को चूज कर देना है और बस क्लिक ऑन जनरेट। अब फर्स्ट एंड सेकेंड कैप्शन डिलीट कर दो क्योंकि हमें कैप्शन से फोर्थ शॉट में चाहिए। फिर आप बाकी के कैप्शन को सिलेक्ट करो और इसके फॉन्ट और साइज को चेंज करो और फिर इनको अपने हिसाब से एक एक करके स्प्लिट करो और सारे कैप्शंस को ठीक से करेक्शन करो जैसे अभी मैं कर रहा हूं। अभी आपको एसएफएक्स और बीजीएम को इंपोर्ट करना है। अभी सबसे पहले हमें बीजीएम को ड्रैग करके लगा देना है एंड इसके वॉल्यूम को थोड़ा एडजस्ट कर देना है इसके मेन वॉइस ओवर के साथ। फिर आपको एक एक करके सारे एसएफएक्स ऐड कर देने हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है पर आपका फाइनल वीडियो बन चुका है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो कमेंट करो डन, क्योंकि 15 मिनट में हमने पूरा कैपकट सीख लिया और 5 मिनट में हमने ऐसी रील बना भी दी। अब एक रील बनाकर इंस्टा में अपलोड करो और मुझे टैग करो जिससे मुझे पता चलेगा कि आप क्या बना रहे हो। और जस्ट इन केस वीडियो वायरल नहीं हुई तो अपने लिमिट्स को हमेशा पुश करते रहना वरना लिमिट्स तुम्हें पुश कर देगी।